बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस को, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस को, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस को, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं। देखिए वसीम रिजवी का जो हालिया बयान आया है जिसमें उसने हमारी जो किताब है, हमारा जो ताज है कुरान शरीफ की बेहरमती की गई है। हम इस बयान की कड़ी अल्फाज में मजम्मत करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुतालबा करते हैं कि इसने करोड़ों मुसलमानों के जज्बात और उनके एहसासात को ठेस पहुंचाई है, उसको जख्म पहुंचाया है। लिहाजा एंड वसीम रिजवी जो है, ही इज़ नाइदर ए लीडर नॉर एनी सोशल एक्टिविस्ट, ही इज़ ए क्रिमिनल, ही इज़ ए टेररिस्ट विदाउट वेपन। ऐसे क्रिमिनल्स को, ऐसे टेररिस्ट्स को अगर खुला रखेंगे तो ये समाज के लिए खतरा है, ये मुल्क के लिए खतरा है। लिहाजा मेरा मुतालबा है कि वसीम रिजवी जैसे समाज दुश्मन फ्रिंज एलिमेंट्स को फौरी तौर गिरफ्तार किया जाए। ही मस्ट बी बुक्ड अंडर लॉ और इसको सलाखों के पीछे रखना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर बाहर रखेंगे तो ये समाज के लिए खतरा है, ये सोसाइटीज़ के लिए खतरा है, ये कम्युनिटीज़ के लिए खतरा है। इसने जो शिया सुनी कम्युनिटीज़ हैं उसको डिवाइड करने की कोशिश की है, उसको बांटने की कोशिश की गई है और करोड़ों मुसलमानों के जज्बात के साथ इसने खिलवाड़ किया है। लिहाजा मेरा मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जल्द अज जल्द वसीम रिजवी को गिरफ्तार करके इसे कड़ी से कड़ी सज़ा